रामकृष्ण पेशे से बिजनेसमैन हैं। इन्हें मई महीने में कोरोना हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया था। उस समय कोरोना अपने चरम पर था। रामकृष्ण के सामने उनका पूरा परिवार अस्पताल में एडमिट था, जबकि उनकी खुद की तबीयत काफी खराब थी। कोरोना से ठीक होने में इन्हें 40 दिन से ज्यादा लगे। अब 3 महीने बाद भले ही इनका शरीर सही हो गया हो, पर दिल और दिमाग पर कोरोना का असर अब भी है। अभी मेन तो पोस्ट रिकवरी के बाद बॉडी उतना एक्टिवनेस कभी लगता नहीं, क्योंकि मैं कुछ मैं फील किया स्टार्टिंग में, जब जैसे मैं रिकवरी करके आया था, एक्टिवनेस उतना था नहीं। थोड़ा बहुत लेजीनेस था, थोड़ा बहुत टाइर्डनेस था, और थोड़ा बहुत मतलब इंटरनल बॉडी जो सिस्टम था वो थोड़ा बहुत इनडाइजेशन, लिवर, मेरे को अलग अलग डाउट आने का कि लिवर इन्फेक्शन है क्या, यूरिन प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि कभी कभी कैसा वो लग ही रहा था। तो पीरियड निकलने कम से कम 2 महीना मेरे को लगा था। डॉक्टरों ने रामकृष्ण को बोल दिया है कि वो काम करने के लिए पूरी तरह फिट है और अपना रूटीन जारी रख सकते हैं, पर रामकृष्ण फिर भी डरे हुए रहते हैं। कोरोना ने मानसिक रूप से उन्हें तोड़ कर रख दिया है। स्ट्रेस की वजह से इनके बाल झड़ रहे हैं। एयरफॉल हो टाइम बहुत ज्यादा हो गया था पोस्ट रिकवरी के बाद में। मतलब ऐसा आप नॉर्मली कॉम भी करते थे तो पहला 1-2 निकलता ठीक है, लेकिन आफ्टर रिकवरी के बाद कॉम भी करते थे। ऐसा आपको पहले भी होता था? नहीं नहीं, ये पहले कभी नहीं। एयरफॉल उतना पहले था ही नहीं। हल्का 1-2 बाल गिरते थे ठीक है, वो कॉमन था, लेकिन आफ्टर रिकवरी के बाद जो भी कॉम करते तो इतना आते थे कि ये पूरा खाली होता था और फिर पीछे का पूरा खाली हो गया। उसमें कोविड-19 से रामकृष्णा की रिकवरी तो हो गई, लेकिन जिंदगी मानो हमेशा के लिए बदल गई। अपने दोस्तों से उन्हें मदद तो मिल रही है, लेकिन उनका कहना है कि अब बहुत कुछ बदल गया है। मेंटल स्ट्रेस है, शारीरिक वीकनेस है, और एक स्टिग्मा भी है कि उन्हें कोविड हुआ था, जिसके साथ उनको आगे बढ़ना है। रामकृष्णा खुद कहते हैं कि मुंबई की भागती दौड़ती जिंदगी में पहले जैसे उनकी भागीदारी अब शायद नहीं हो पाएगी। दुनिया भर में आज डॉक्टर कोविड-19 से रिकवर करने के बाद पैदा होने वाले अजीबो गरीब कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं। ऐसी ही एक परेशानी जो मरीजों को हो रही है वो है भूलने की बीमारी, जिसे मेडिकल एक्सपर्ट ब्रेन फॉग कहते हैं। कोविड-19 से रिकवर हुए मरीजों में ये बीमारी देखने को मिल रही है। अगस्त महीने में 47 साल की शायस्ता पठान की तबीयत खराब हुई तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां टेस्ट से पता चला कि इन्हें कोरोना हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना ने शायस्ता के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक किया। वो ऐसी हालत में पहुंच गई जहां उन्हें कुछ याद नहीं रहा और एक समय पूरी तरह ब्रेन फॉग की शिकार हो गई। मेरे 5 दिन में कोमा में थी, कुछ याद नहीं था। मेरे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, क्वारंटाइन में 5वें दिन मुझे होश आया। 5वें दिन होश आने के बाद मैंने पूछ मेरे हस्बैंड का है, मैं यहाँ कैसे आई, तो बोले डॉक्टर लोग ने बोले आप क्वारंटाइन में और आप 5 दिन से इधर ही है। शायस्ता में कोविड-19 से काफी न्यूरो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले। CSF एनालिसिस में हमको पता चला कि उनको कोविड रिलेटेड वायरल मेनिंजाइटिस है, तो हमने उनका उपचार किया सही तरीके से। इसमें हमने उनको स्टीरॉयड दिए, एंटीवायरल दिया और ब्रेन की सूजन करने की दवाइयाँ दी, जिससे वो 3 दिन में उनका जो है कंडीशन ठीक हो गया। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्रेन फॉग कोई बीमारी नहीं है। ब्रेन फॉग मरीज को होने वाली किसी दूसरी बीमारी की वजह से होता है। ब्रेन फॉग में याददाश्त चले जाना, एक जगह ध्यान नहीं लग पाना, फोकस नहीं कर पाना और स्पष्टता ना हो पाना जैसे लक्षण देखने में आते हैं। ब्रेन फॉग से बचे कैसे? डॉक्टर कहते हैं कि ब्रेन फॉग से बचने के लिए कम से कम 8-9 घंटे की नींद लें, तनाव से बचने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें और दिमाग के लिए ब्रेन पजल खेलें। वो काम करें जिसमें आनंद आए। खाने पीने में प्रोटीन, फल, सब्जियां और हेल्दी फैट लें। मेरे लोगों को यही सुझाव है कि ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स पे संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, उनके जिंदगी पे क्या बीत रही है इस चीज को समझना चाहिए, ताकि वो अपने जो वर्क पे और अपने रूटीन एक्टिविटीज पे अच्छे से ध्यान दे सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके।
डॉक्टर कहते हैं कि अभी तक कोविड-19 के बाद होने वाले ब्रेन फॉग को लेकर भी स्पष्टता नहीं है, पर स्टडीज में ये निकलकर सामने आ रहा है कि 50 से ऊपर की उम्र के मरीज और वो मरीज जिन्हें ज्यादा दिन के लिए अस्पताल में रहना पड़ता है इसके ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हालांकि 30-35 की उम्र वालों में भी कोरोना के बाद भूलने की बीमारी देखी गई है।